बताइए ऑर्गेनिक कन्वर्शन के लिए हम लोग को ध्यान रखना है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजीन में जाना है। तो पैरा पोजीशन में किसको जाना है? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होगा और ब्रोमो बेंजीन होना चाहिए। पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो ऑर्थो डाय पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन है। ओके, तो पहले इसको ब्रोमो बेंजीन में चेंज कर देंगे, फिर उसे जब पे वो फिर क्या करेगा उसको पैरा पोजीशन में चेंज कर। तो देखो कैसे करता होगा, ये मान लो बेंजीन है, ठीक है ना, इसको पहले हम लोग ब्रोमो बेंजीन में चेंज करेंगे स्टेप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग का H3 और H2 सपोर्ट डाल दो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H3 H2 सपोर्ट डाल दो और हीट कर दो। तो क्या होगा, ठीक है, तो ब्रोमीन भी इधर रहेगा, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जा सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है, ये दोनों कॉम्पाउंड ही बन सकते हैं, ऑर्थो भी बन सकते हैं, पैरा भी बन सकते हैं। इसके बाद क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा, हो जाने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा पेनोल। ओके, तो पहले ब्रोमिंग में आना है, ब्रोमिंग जाके उसमें पहुंच जाएंगे। ओके, ब्रोमिंग क्या करते हैं, एनोड ग्रुप को और टेबल ऑर्थ तो मेटा पैरा, ऑर्थ तो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में देंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफर्स करता है। ओके, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इससे ज्यादा होता है कम होता है, तो अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर, एक बार चेक करते हैं, यस और नो, क्लियर बेटा जॉय, इज इट क्लियर जॉय? अच्छा, उसके बाद देखो बेटा एक चीज और, सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी सर ये पैरा पे ही रहा, मतलब वहां पे जाके, हां पैरा पे, दोनों अलग हो गया, यस सर, ये वाले अलग हो जाएंगे, तो पैरा वाला रख देंगे, लेकिन यहां पे के लिए हम लोग का हिस्सा का लेना पड़ेगा FeBr3। ओके, Br2 यहां पे रखना पड़ेगा और यहां पे क्या होगा, एनहाइड्रस Br3 फुट कर देंगे तो हम लोग का ब्रोमो बेंजीन बन, और जो कॉन्सेंट्रेटेड H3 कॉन्सेंट्रेटेड H2 को और हिट करना है, हिट कितने में करते हैं, 323 केल्विन में हिट करना है। ओके, बात क्लियर? नेक्स्ट वाला कोडो बेटा, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अब बेटा इस केस में बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो हम लोग को इसमें जो यूज होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होती है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, और भी देखो तुम्हारा बुक में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या क्या दिया, चेक करते हैं, देखो NO2CN CHO, हाँ COR COOH COOR, हाँ देखो सभी लिख देते हैं, NO2 है, CN है, CHO है, ओके, और कौन
सा सी ओ आर, ओके सी डब्ल्यू एच, और जो है सी डब्ल्यू आर जो एस्टर ग्रुप होती है, और कौन सा एसओ थ्री एच ग्रुप, ये सब मेटाडायटिक ग्रुप होती है। तो पहले हम लोग को उसी ग्रुप को लेकर आना जो मेटा पोजिशन में डायरेक्ट करेगा। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेंजीन जो है ना, बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट कर देंगे। कितना टेम्परेचर पे, 323 टू 333 केल्विन। तो क्या बन जाएगा, NO2 आ जाएगा। अभी NO2 कौन सी होती है, मेटाडायटिक ग्रुप होती है, इसमें क्लोरीन डालती एनहाइड्रस KCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, क्लोरीन को मेटा पोजीशन में, ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन में। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आयुष इज इट क्लियर, आयुष पीयूष, पीयूष इज इट क्लियर, जॉय आज तो तुम दोनों ही है, ठीक है ठीक है, ओके गुड, ठीक है ठीक है, इंटरेस्टिंग है। हाँ एनहाइड्रस वाला बाद में क्यों हुआ, और उसमें पहले हुआ था सर, हाँ एनहाइड्रस वहां पे पहले ब्रोमीन लेके आना था, यस सर, और मैं हम लोग को पैरा बनाना था, यस सर, और ब्रोमीन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा में देखा नहीं कि इस टाइप का ग्रुप आने का, तभी मेटा में पहुंचा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ठीक है। ए वाला रिएक्शन इसके पहले था, बिकॉज ए वाला जो होता है ना, ये जो क्लोरीन वाला ब्रोमीन वाला वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन नाइट्रो वाला जो होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, पहले पहले नाइट्रो आएगा उसके बाद क्लोरीन डालेगा तब वो मेटा में जाएगा, और तुम लोग पहले क्लोरीन करते उस पर नाइट्रो कर रहे थे, सो क्लोरीन नाइट्रो के कहां पे पहुंच जाएंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन में पहुंचते, ठीक है। That was the case. इसलिए वाला important है। तो बेटा ये जो है अभी हम लोग को पैरा चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दो ग्रुप है ना टोलिन, yes, sir. तो कैसे चाहिए, हम लोग को इस टाइप का चाहिए, पैरा नाइट्रो टोलुइन, यहाँ वाला सी एस थ्री ग्रुप है, यहाँ पे एनएटो ग्रुप चाहिए, पैरा नाइट्रो टोलुइन। तो सी एस थ्री ग्रुप और एनएटो ग्रुप, इस दोनों में से कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, सी एस थ्री ग्रुप होगा, है ना। तो पहला तो सी एस थ्री बना लेते हैं, बेंजीन है ना, बेंजीन को टॉलोइन में कैसे चेंज करेंगे, CH3Cl डाल देंगे, और क्या पुट करेंगे, एनहाइड्रस CH3, है ना, एनहाइड्रस CH3 पुट करती वो किसमें चेंज होगा, दैट इज CH3 में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हिट कर दिया, तो किसको टेम्परेचर लिख देना, 323 से 333 के, तो क्या होगा, तो हम लोग के पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा CH3 NO2 और एक क्या हो जाएगा, ये तो ऑर्थो वाला हो गया, ऑर्थो तो एक पैरा वाला भी बन जाएगा, और एक बनेगा तुम्हारा ठीक है, ये बन गया। अब इसको फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम लोग दोनों अलग हो जाएंगे, फिर इसको हटा देंगे तो ये वाला बन जाएगा।
यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर बेटा? यस, तो ग्रुप में ध्यान रखिएगा कौन किस में जाएगा, उस तरीके से हम लोग को कहानी बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ वोट थोड़ा सब कर लेते हैं, सब करके नेक्स्ट क्वेश्चन एक फोटो भी खींच लेते हैं। इसके बाद ये वाला तो डायरेक्ट है, दैट इज बेंजीन टू एसीटोफेनॉल, बेंजीन से एसीटोफेनॉल तो डायरेक्ट है ना बेटा, बेंजीन टू एसीटोफेनॉल तो मालूम है, कल हुआ था ना फोर्थ वाला बेंजीन, तो क्या पुट करते हैं, CH3 COCl किसके प्रेजेंस में है बोलो सर, CH3 COCl तो उधर आएगा ना एसीटोफिनोल में, हां तो बेंजीन से बना तो एसीटोफिनोल जाना ना, तो सर तो बेंजीन से एसीटोफिनोल में जाना, यस सर, तो CH3 CO डाल देंगे सर, ये उधर था पहले, कौन कौन के बाद तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, तो बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन होती है, एनहाइड्रस एल्केन्ड्री है कि नहीं बेटा, तो कैसे करके कट करते हैं यहाँ पे सीओ सी एस थ्री जोड़ जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है इसके ना, ये जो कंपाउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसीटोफेनॉल। अब ये हाइड्रोजन को दिखाना ही नहीं, दिखाना कोई बात नहीं, ये हाइड्रोजन उधर चले जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन उठ के इसके साथ, ठीक है, ओके, हो गया कन्वर्शन बेटा, इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा, ओके गुड, और रिएक्शन भी दे रहा हूँ।